तो पानीपत की फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि फैक्ट्री में कल दोपहर ये हादसा हुआ है, जहां फैक्ट्री की लिफ्ट में और दीवार के बीच एक युवक फंस गया संदिग्ध परिस्थिति में, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा होते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद श्रमिक वहां पर पहुंचते ही और उसके तुरंत बाद पुलिस को भी फोन कर दिया जाता है और फैक्ट्री मालिक को भी। फैक्ट्री मालिक भी मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और शव को निकालकर सिविल अस्पताल में फिलहाल जो है शव गृह में रखवा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि सिविल अस्पताल में मौजूद युवक के परिजनों और बाकी लोगों ने ये कहा कि पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। साथ ही उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि लापरवाही हुई है। तो ऐसे में क्या कहते हैं परिवार वाले, वो सुनिए। मैंने कहा मालिक को बुलाओ, उनको मालिक तो आता रहेगा, आप आगे बात करो, मजे आप आओ यहाँ पे जब हम कुछ कार्रवाई होगी, कुछ हिसाब होगा, कुछ बात हमें आश्वासन देंगे तो हम आगे आएंगे। आप यहाँ पे आओ और हमें समझाओ कि मालिक से आपकी क्या बात हुई, मालिक हमारे सामने नहीं आ रहा, उधर थाने में जा रहा है, उधर जा रहा है, आपकी क्या सेटिंग हो रही है, क्या बात हो रही है, हमें नहीं पता। जिसकी मौत हुई उसका क्या नाम था, कितनी उम्र थी? सजुल नाम था, सजुल आलम, और 22 साल उम्र है, और बंगाल गोदाहाट के पास का है, चांदबिटा का, और 22 साल उम्र है, और लिफ्ट में फंसा हुआ मिला। इनसे पहले क्या हुआ, या फैक्ट्री वालों ने किया या किसी ने फंसाया या क्या, किसी को नहीं पता, खाली फंसा हुआ दिखा गया। तो आप छानबीन की बात कर रहे हैं? अब छानबीन की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आश्वासन की बात कर रहे हैं। पुलिस में आपने? पुलिस में शिकायत दे दी। पुलिस शिकायत में क्या दिया आपने, क्या लिखवाया वहाँ पे? शिकायत में अपने मालिक ने पुलिस बुलाई और मालिक चला गया, उसने बोला ये लाश उठाओ यहाँ से, तो इन्होंने बोला भाई मालिक को बुलाओ, वो बोले नहीं तो हम हैं ना, तुम उठाओ यहाँ ला के, बॉडी यहाँ रख दी, पोस्टमार्टम कराओ जल्दी और लेके जाओ। तो पुलिस वाले जो सहयोग दे रहे हैं आपका? नहीं दे रहे। हमें सहयोग कोई नहीं मिल रहा। किस चीज की फैक्ट्री थी, किस चीज की फैक्ट्री? ये जटल रोड पे फैक्ट्री है, 5 नंबर गली है, फौजी ढाबे के पास 8 नंबर फैक्ट्री है वो, और पंकज या कुछ ऐसा नाम है मालिक का। तो अब आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं? एसपी के जा रहे हैं, जो आश्वासन देंगे, एसपी को विज्ञापन देंगे और उनसे कह के चले आएंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा आदेश। वो नाम है उसका, वो काम कर रहा था वहाँ, वो लीफ में फंस के वो ये हुआ है, और पुलिस वाला ये का कुछ सुनवाई नहीं कर रहा, पुलिस वाला गाली दे रहा था, लीफ में फंस गया था वो बंदा, ठीक है, और वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहा। कल से बैठा है यहाँ, कल से लाश यहाँ पे पड़ा हुआ, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा, पुलिस वाला धमका रहा हमें, कल थाना ये पहुँचा कुछ, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुआ, क्या करा जाए, हमें ये इंसाफ चाहिए इसमें। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री जो है गांव सोंधापुर में है और यहां पर हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक युवक का नाम सिजपुल था और 18 साल उसकी उम्र थी। वो मूल रूप से उत्तर दीनारपुर वेस्ट बंगाल का रहने वाला था और हाल ही में वो पानीपत में रहता था और फैक्ट्री में ही काम करता था। लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में कई क्विंटल माल को ऊपर नीचे लाने के लिए एक ओपन लिफ्ट लगी हुई थी, जिसकी ग्रिल पकड़कर सिजपुल ऊपर की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह लिफ्ट और दीवार के बीच फंस गया, उसका शरीर हवा में लटक रहा था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये कल 1 बजे हुआ था। किस जगह? ये सोंधापुर चौक में। किस चीज की फैक्ट्री है ये? मशीन लग रहा है नीचे और 2 महीने से काम कर रहा भाई। भाई का क्या नाम था? सजबुल नाम है, आलम नाम से उसको चल रहा है, काम कर रहा है आलम नाम से। क्या कैसे हुआ ये बताएं, कब पता लगा आपको? ये 1 बजे पता लगा हम लोगों को। 2 बंदे बुलाया, कह रहा तुम्हें आलम का भाई हो? मैंने हाँ आलम का भाई है। दौड़ के देखा ये मामला है, मार के लटका गया ना, क्या कर रहा है, यहाँ पूरा लिफ्ट में फंसा हुआ है, पुलिस वाले हमको धमका रहा था, ये करेंगे वो करेंगे, पोस्टमार्टम करवाओ, ये करो वो करो। हमने कह रहा पहले मालिक को आने दे, क्या करेगा नहीं करेगा उसी के बाद हम निकाल लेंगे यहाँ से। कहाँ के रहने वाले हो? बंगाल के रहने वाले हम। यहाँ पर कितने टाइम से भाई काम कर रहा था? ये 2 महीने से काम कर रहा है इस फैक्ट्री में। तो क्या शिकायत, मतलब पुलिस इसमें सहयोग कर रही है आप लोगों? कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है जी। जब तक हम इंसाफ होना चाहिए हमारे, लापरवाही कर रहा मालिक इस। फिलहाल जो है शव को शव गृह में रखवा दिया गया है और आगामी कार्रवाई में पुलिस से जुट गई है। हालांकि परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। देखना होगा इस सारे मामले में क्या कुछ होता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।